हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर नाइन्थ लेक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक कन्फॉर्मल मैपिंग। इफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू u प्लस iv इज डिफाइंड इन डोमेन कैपिटल D ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन z। हमें पता है w इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू u प्लस iv लिखते हैं। यहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं हम। इज डिफाइंड इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन टू ईच पॉइंट इन द डी देयर करस्पॉन्ड्स ए पॉइंट इन द डब्ल्यू प्लेन। जितने भी पॉइंट है इन डी में उसके करस्पॉन्ड पॉइंट हमें मिलेंगे डब्ल्यू प्लेन में। इफ द पॉइंट एक्स कॉमा वाई ट्रेस आउट अ कर्व इन जेड प्लेन, द पॉइंट यू कॉमा वी ट्रेस आउट अ करस्पॉन्डिंग कर्व इन द डब्ल्यू प्लेन। अगर हम एक्स कॉमा वाई पॉइंट लेते हैं इन जेड प्लेन में तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हम दूसरा पॉइंट है यू कॉमा वी, वो भी एक नया कर्व जनरेट करेगा इन डब्ल्यू प्लेन में। तो यहाँ पे जो कर्व इन जेड प्लेन और एक कर्व होगा इन डब्ल्यू प्लेन। दस द फंक्शनल रिलेशनशिप w इक्वल टू एफ ऑफ जेड सेट अप करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट x कॉमा वाई इन जेड प्लेन एंड द पॉइंट u कॉमा वी ऑन डब्ल्यू प्लेन। तो यहाँ पे एक नई रिलेशनशिप जनरेट होती है जेड प्लेन के बीच में और w प्लेन के बीच में। जो कर्व जेड प्लेन में होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है हमें इन डब्ल्यू प्लेन में। इन दिस वे वी हैव मैपिंग ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डिफिनेशन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन जेड ऑन टू इट्स रेंज ऑफ वैल्यू इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डब्ल्यू। यहाँ पे डोमेन की जो वैल्यू रखेंगे हम जेड में से और जो हमें उसकी इमेज मिलेगी, मीन्स जो वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ जेड की, वो मिलेगी हमें डब्ल्यू में। सो यहाँ पे जो जेड प्लेन है उसमें जो कर्व है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन डब्ल्यू में। सो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मैपिंग प्रॉपर्टी इट्स कंफॉर्मलिटी विच इज डिफाइंड एज अ फॉलो। अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो कंफॉर्मलिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दो कर्व है, यहाँ पे एक जेड प्लेन में कर्व है और दूसरा कर्व है डब्ल्यू प्लेन में। सो यहाँ पे दो कर्व, एक यहाँ पे सी वन लिखा है और यहाँ पे सी टू कर्व है और बीच में जो यहाँ पे एंगल बताए वो अल्फा है। तो उसकी जो इमेज मिल रही है इन डब्ल्यू प्लेन में, अगर हम जेड की वैल्यू रखें और जो कुछ इमेज फंक्शन की मिलेगी वो इसी टाइप का कर्व मिल रहा है मान लो इन डब्ल्यू प्लेन। तो यहाँ पे सी वन डैश नाम दिया है और यहाँ पे एक सी टू डैश नाम दिया है और जो एंगल है वो सेम है अल्फा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रिजर्व एंगल इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस मीन्स डायरेक्शन इज कॉल्ड ए कन्फर्मल। अगर हम किसी एक कर्व है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे दूसरे कर्व में तो जो एंगल के प्रिजर्व मैग्नीट्यूड में है और इन द डायरेक्शन में सेम टू सेम है, लेकिन शिफ्टिंग क्या करते हैं हम उसको उठा के दूसरी जगह रखते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो हुआ कन्फर्मल। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द एंगल इज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट इन अ सेंस इज कॉल्ड आइसोगोनल। अगर एंगल सेम रहता है डायरेक्शन में कोई चेंजेस आ रहा है मान लो तो उसे बोलेंगे आइसोगोनल, अगर दोनों सेम जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम कन्फर्मल। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कन्फर्मल प्रॉपर्टी ऑफ एनालिटिक फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या है एनालिटिक फंक्शन के लिए? मान लो w इक्वल टू f ऑफ z इज ए एनालिटिक फंक्शन एंड f डैश z इज नॉट इक्वल टू जीरो इन रीजियन R ऑफ द z प्लेन, देन द मैपिंग w इक्वल टू f z इज ए कन्फर्मल एट ऑल पॉइंट ऑफ द रीजियन R। अगर फंक्शन एनालिटिक है इन रीजियन R, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश z। अगर वो नॉट एनालिटिक इन रीजियन आर है तो हम बोलेंगे w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज अ कन्फर्मल एट ऑल पॉइंट इन द रीजियन आर। ठीक है, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ए पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू एफ ऑफ जेड एट विच एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो इज नॉन एज अ क्रिटिकल पॉइंट, एट दिस पॉइंट मैपिंग इज नॉट अ कन्फर्मल।
अगर आपके पास एफ ऑफ जेड है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, जो पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट हो गया क्रिटिकल पॉइंट, और जो क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ पे हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कन्फर्मल। नाउ वी कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, एट वट पॉइंट इज द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर नॉट कन्फर्मल। नॉट कन्फर्मल आए उसका मतलब है हमें एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो लेके पॉइंट निकालने हैं। सो द मैपिंग इज नॉट कन्फर्मल एट अ क्रिटिकल पॉइंट, हमें पता है बाय द थियरम। क्रिटिकल डेफिनेशन पॉइंट क्या है, एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो ले लो तो जो पॉइंट मिलेगा वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, नॉट कन्फर्मल। तो सो द मैपिंग इज नॉट कन्फर्मल एट अ क्रिटिकल पॉइंट डेट इज वेयर एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो। सो एफ डैश जेड मीन्स यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो क्या है, आपका एफ ऑफ जेड है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर। नाउ टेकिंग एफ डैश जेड मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, सो हियर एफ डैश जेड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर मीन्स टू जेड, एंड डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन जेड स्क्वायर मीन्स माइनस टू अपॉन जेड क्यूब। अदरवाइज आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हो, जेड रेस टू माइनस टू का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो तो वही आपको मिल पाएगा। नाउ एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो, सो वी टेक वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड, एफ डैश जेड इक्वल टू टू जेड माइनस टू अपॉन जेड क्यूब, सो इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो जेड रेस टू फोर हो जाएगा, टू जेड रेस टू फोर माइनस टू और जेड क्यूब जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा। सो टू कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड रेस टू फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो वी गेट जेड रेस टू फोर इक्वल टू वन। बट जेड रेस टू फोर इट मीन्स उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस वन लेंगे हम। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस वन आया हमारे पास, सो दो वैल्यू लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू वन एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। जेड स्क्वायर इक्वल टू वन है उसकी दो वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस आई, लेकिन जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है उसे हम लिखेंगे आई स्क्वायर, सो वहाँ से हम दो वैल्यू निकालेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जेड स्क्वायर का, तो प्लस और माइनस वन और यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी जेड इक्वल टू प्लस और माइनस आई। तो ये चार पॉइंट मिले, एक जेड इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू माइनस वन, जेड इक्वल टू आई एंड जेड इक्वल टू माइनस आई। इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट कन्फर्मल है, इट मीन्स द मैपिंग इज नॉट कन्फर्मल एट जेड इक्वल टू प्लस वन माइनस वन प्लस आई माइनस आई। सो ये एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जो मैपिंग है यहाँ पे वो मैपिंग कन्फर्मल है या नॉट कन्फर्मल, वो चेक करने के लिए था। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कन्फर्मल बताना है तो यहाँ पे एफ डैश जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, और जहाँ पे एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो करके जो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट पे मैपिंग जो है नॉट कन्फर्मल मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस, अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर किसी एक यहाँ पे कोई मैप है उसको जेड प्लेन है यहाँ पे और यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन है, तो ये कोई कर्व है और एक यहाँ पे दूसरा कर्व मिला है, मीन्स ये जो कर्व था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन डब्ल्यू में। तो यहाँ पे पहली जो प्रॉब्लम जो देखने जाए तो ट्रांसलेशन की जो बात करें तो कर्व को हमें शिफ्ट करना है, उसकी पोजिशन को हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड प्लस सी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, W इक्वल टू जेड प्लस सी, जेड में प्लस सी ऐड करना है। इट मीन्स वेयर C इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, जो C की वैल्यू है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन। सो जेड की वैल्यू होगी X प्लस आई वाई, डब्ल्यू की वैल्यू लेते हैं हम यू प्लस आई वी, और सी की वैल्यू लेके कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है तो हम ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ये दो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमें भी लेके W इक्वल टू जेड प्लस सी है सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यू, सो W इक्वल टू यू प्लस आई वी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड सी इक्वल टू ए प्लस आई बी। सो फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब जो यहाँ पे राइट साइड पार्ट है एक्स प्लस आई वाई प्लस ए प्लस आई बी, तो यहाँ पे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कॉमन लेना पड़ेगा, तो रियल पार्टी एक्स और रियल पार्टी दोनों को साथ में लेंगे तो एक्स प्लस ए हो गया, और यहाँ पे दो इमेजनरी पार्टी आई वाई एंड आई बी, आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आई ब्रैकेट वाई प्लस बी।
So comparing both side, real and imaginary part, so we get u equal to x plus a and v equal to y plus b. Therefore the image of xy, xy ki jo image in the z plane is the point x plus a comma y plus b in the w plane. X comma y tha uski jagah replace kya ho gaya, x plus a comma y plus b. So a jo translation hua वो क्या कर रहा है, एक्सिस पे हो रहा है और प्रिजर्व द शेप एंड साइज ऑफ द रीजन ऑफ जेड प्लेन. जो साइज और शेप था वो सेम रहेगा लेकिन उसका जो प्लेस है वो चेंजेस हो गए, दूसरी जगह चला जाएगा. हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. फाइंड द इमेज ऑफ 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू z प्लस 2y. यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो 2y है, इमेज क्या है 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 और अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना है z प्लस 2y का. सो पहले हम पूरी प्रोसीजर कर लेते हैं. w इक्वल टू z प्लस 2y, रिप्लेस w इक्वल टू u प्लस आई वी, z इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड 2y एज इट इज. यहाँ पे जो राइट साइड पार्ट है वहाँ पे रियल पार्ट x ही है, तो x अकेला प्लस दो इमेजनरी पार्ट है उसमें से आई एक कॉमन लेंगे तो आई कॉमन ही है, तो क्या हुआ वाई प्लस टू. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट बोथ साइड, सो वी गेट यू इक्वल टू एक्स एंड वी इक्वल टू वाई प्लस टू. हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, सो एक्स इक्वल टू हम यू लिख सकते हैं और वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वी माइनस टू. तो एक्स की वैल्यू यू लेंगे और वाई की वैल्यू वी माइनस टू. हमें जो इमेज दी है गिवन डेट 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूट x एज अ u सो वी गेट 2u एंड y एज अ v माइनस 2 सो v माइनस 2 माइनस 3 एज इट इज. सो फाइनली रिजल्ट मिल रहा है 2u प्लस v माइनस माइनस प्लस सो माइनस 5 इक्वल टू 0. तो एक नई इमेज मिली हमें, जो नया कर्व है. यहाँ पे जो कर्व था वो 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 था और यहाँ पे जो इन जेड प्लेन में था, और यहाँ पे जो डब्ल्यू प्लेन में मिल रहा है हमें वो क्या है 2u प्लस v माइनस 5 इक्वल टू 0. ये दोनों लाइन का इक्वेशन है. जो पहली इक्वेशन है वो 2x प्लस 5 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं हम. जो पहला इक्वेशन है उसे हमें अलग फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं हम 2x प्लस y इक्वल टू 3. और दूसरे जो इक्वेशन है इन यू डब्ल्यू प्लेन में, तो वो क्या है 2u प्लस वी इक्वल टू 5. अब ये दोनों लाइन को हमें ड्रॉ करना है इन एक्स वाई प्लेन और यू वी प्लेन में. सो एक्स वाई प्लेन में हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे, एक बार हम एक्स की वैल्यू 0 लेंगे और एक बार वाई की वैल्यू 0 लेंगे. तो दो पॉइंट में अगर मैं एक्स 0 ले रहा हूँ तो वाई 3 मिलेगा, तो हमारा पॉइंट क्या होगा एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, तो 0, 3. अगर मैं वाई की जगह 0 ले रहा हूँ और x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 ले लूँ सो x इक्वल टू 3/2. सो जो पॉइंट होगा वो 3/2, 0. तो यहाँ पे जो प्लेन है जेड प्लेन, यहाँ पे देखो 3/2, 0 डिनोट किया है और 0, 3. आप रफली ऐसे ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में, अगर आपके पास स्केल है तो अच्छी तरह से मेजरमेंट करके भी ड्रॉ कर सकते हो. फिर ये दो पॉइंट को जोड़ के आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आपका इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, अदरवाइज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो इसे. तो एक एक का वो हो गया, ये लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, सेकंड जो हमारा कर्व है वो क्या है 2u प्लस v इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो. सिमिलर उसी टाइप से एक बार u इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार v इक्वल टू 0 लेंगे, तो दो पॉइंट मिलेंगे. तो दो पॉइंट हमने देखो, यहाँ पे वी है और यहाँ पे यू है. सो ये केस में क्या किया है, यू की वैल्यू 5/2, वी की वैल्यू 0 और यहाँ पे क्या है यू इक्वल टू 0 और वी इक्वल टू 5. और ये दो पॉइंट को जॉइंट कर लो और जो लाइन बनेगी वो आपका इक्वेशन होगा 2u प्लस v माइनस 5 इक्वल टू 0. सो ये मैपिंग हो गया, ये जेड प्लेन में उसका मैपिंग है और यहाँ पे क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू में ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया.
सो मैपिंग इज अ ट्रांसफॉर्म फंक्शन, को क्या करता है, जो भी है इमेज उसको ट्रांसफॉर्म करता है दूसरी। एक और एग्जांपल देखें तो हमें एग्जांपल नंबर टू है, डिटरमाइन एंड स्केच द इमेज ऑफ मॉड्यूलस जेड इक्वल टू वन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस आई। आपको जो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस आई। सबसे पहले हम यू फाइंड करेंगे एंड वी फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे पूरी, और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस आई है, सो वो लिखा। हमें पता है डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आई एज इट इज। सो यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई प्लस वन बना। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, सो कंपेयर बोथ साइड, सो वी गेट जेड जो यू इक्वल टू एक्स और वी इक्वल टू वाई प्लस वन। सो फाइंड आउट एक्स इक्वल टू यू एंड वाई इक्वल टू वी माइनस वन। ये पूरा हमारे प्रोसीजर थे वो हमने फाइंड कर लिया। बट हमारे पास जो जेड प्लेन है वो क्या है, मॉड्यूलस जेड इक्वल टू वन। मॉड्यूलस की वैल्यू हमें पता है, मॉड्यूलस क्या करता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन क्या डिनोट कर रहा है, सर्कल एट ओरिजिन एंड विथ रेडियस वन। ये जो इक्वेशन है मॉड जेड इक्वल टू वन वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितनी है वन। ये है कार्टेशियन फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, आपको पता है। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू एक्स और वाई की, सो एक्स की जगह यू सो यू स्क्वायर प्लस वाई की जगह वी माइनस वन तो वी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन। सो यू स्क्वायर प्लस वी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन, ये भी एक इक्वेशन है और इक्वेशन क्या है, सर्कल ही है, लेकिन इसका सेंटर चेंज हो गया। जो यहाँ पे जो सेंटर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे यू स्क्वायर डायरेक्ट है मीन्स कॉन्स्टेंट पार्ट पीछे है नहीं, तो वहाँ का सेंटर क्या होगा, जीरो। यू के जो है पार्ट उसमें आपको एक जीरो होगा कॉमा, यहाँ पे वी माइनस वन है तो यहाँ पे वन जो होगा सेंटर हो गया आपका जीरो कॉमा वन। अगर आप सर्कल के साथ कंपेरिजन करना चाहते हो तो एक जो इक्वेशन है वो सर्कल का इक्वेशन है, यू माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वी माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जो सेंटर होगा यहाँ पे, जो सेंटर क्या होगा, ए कोमा बी, ठीक है, एंड जो रेडियस है वो आर हो गई। अब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं तो वो जीरो हो गई, तो यहाँ पे जो सेंटर हुआ वो जीरो कोमा, बी की वैल्यू है बी इक्वल टू देखो वन है, माइनस माइनस है और वन है तो बी की वैल्यू हो गई, तो जो यहाँ पे सेंटर मिल रहा है जीरो कोमा वन, और रेडियस है आर स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, सो यहाँ पे आर की जो वैल्यू मिलेगी वो वन ही मिलेगी। सो यहाँ पे जो इक्वेशन है यू स्क्वायर प्लस वी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन इज सर्कल विथ सेंटर जीरो कोमा वन एंड रेडियस इज वन इन डब्ल्यू प्लेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ग्राफिकली देखने जाएं दोनों के कर्व तो कैसे दिखते इन जेड प्लेन। जो जेड इक्वल टू वन है, जो मॉड्यूलस जेड इक्वल टू वन लिखा है, अदरवाइज उसे बोल सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, विच रिप्रेजेंट अ सर्कल एट अ सेंटर एंड रेडियस इज वन, तो इट्स ऐसा। और यहाँ पे सेंटर है जीरो कोमा वन, सेंटर जीरो कोमा वन पे लिया, और रेडियस कितनी वन, रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, तो देखो यहाँ पे जो सर्कल शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसके जैसा एक हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ मॉड जेड इक्वल टू टू अंडर द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस थ्री प्लस टू वाई। मॉड जेड इक्वल टू टू रिप्रेजेंट करता है सर्कल, सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस इज टू इन जेड प्लेन। हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस थ्री प्लस टू वाई से। सो पहले हम एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो हियर
w इक्वल टू जेड प्लस थ्री प्लस टू वाई, रिप्लेस w इक्वल टू यू प्लस आई वी इक्वल टू जेड की जगह x प्लस आई वाई प्लस थ्री प्लस टू वाई, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया तो हमें मिल रहा है u इक्वल टू x प्लस थ्री और v इक्वल टू y प्लस टू। x की वैल्यू देखने जाए तो u माइनस थ्री और y की वैल्यू देखने जाए तो v माइनस टू। ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे मॉड जेड इक्वल टू टू में। गिवन मॉड जेड इक्वल टू टू, सो मॉड जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टू, अदरवाइज डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, एक्स की जगह यू माइनस थ्री और वाई की जगह वी माइनस टू। सो यू माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वी माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू फोर। अगर आगे मैंने आपको बताया फॉर्मूला उसके साथ आप कंपेयर करोगे यू माइनस ए और यू माइनस बी, सो ए की वैल्यू यहाँ पे थ्री मिली और बी की वैल्यू टू, तो जो सेंटर होगा इस सर्कल का तो सेंटर क्या होगा थ्री कॉमा टू एंड रेडियस क्या होगी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे टू का स्क्वायर तो आर की वैल्यू टू मिल गई। तो दोनों की यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे दिखाई है जेड प्लेन में सेंटर ओरिजिन है रेडियस टू है तो सर्कल ऐसा हुआ, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इन डब्ल्यू प्लेन में तो जो सर्कल का जो सेंटर वो चेंज हो गया सीधा थ्री कॉमा टू पे आ गया, तो थ्री कॉमा टू पे सेंटर लेना है और सेंटर से टू रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको ऐसी इमेज मिलेगी। सो ये जो बेसिकली है कंफर्मर मैपिंग है ट्रांसफॉर्मेशन है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में। सो आई होप ये लेक्चर में आपको समझ में आएगा, धन्यवाद।